हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे जर्मन शेफर्ड के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसको पालने में महीने में खर्चा कितना आ जाता है, वो सारी जानकारी के लिए हमारी वीडियो पर बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जानते हैं, जर्मन शेफर्ड इंडिया की दूसरी मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड होने के साथ ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भी दूसरी सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड है। आज तक इसके 3.5 मिलियन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यह डॉग बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ इससे कोई भी काम करा सकते हैं। इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यह कुछ भी कर लेते हैं। वह चाहे एक हॉलीवुड एक्टर हो या मिलिट्री के साथ इलीगल चीज़ों का पता लगाना हो या क्रिमिनल पकड़ना हो, कुछ भी कर सकती है एक अच्छे ट्रेनर के साथ। यह बहुत ही एग्रेसिव होने के साथ ही अपने फैमिली के लिए बहुत लॉयल होता है और अपने मालिक को खुश करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। अगर आप अपने बच्चे को इसके साथ छोड़कर जाओगे तो बच्चा हमेशा सेफ रहेगा। इसे अपने घर से बाहर गार्डन में, बैकयार्ड में ज़रूर ले जाएं और इसे खेलने दें, काम करने दें। और इन्हें काम करना और खेलना बहुत पसंद होता है। यह इसे ही नहीं बल्कि सारे कुत्तों को पसंद होता है खेलना। जर्मन शेफर्ड एक लॉन्ग साइज डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 55 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इसका वेट 30 से 40 केजी तक होता है और इसका बाइट प्रेशर बहुत तेज होता है, 380 पाउंड तक का होता है, जो साधारणतः हड्डी को तोड़ सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग है। यह अपने मालिक को बचाने के लिए किसी चीज़ से भी लड़ सकता है, मगर इस पर आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे कि आपका डॉग हमेशा गार्डिंग जोन में रहे। जर्मन शेफर्ड ने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है। स्ट्रॉन्ग हंट नामक डॉग जो जर्मन शेफर्ड था, ने अपनी लाइफ में 6 मूवीज़ में मेन स्टार का रोल किया है। जर्मन शेफर्ड कई कलर कोड में पाए जाते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लैक एंड क्रीम, ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक एंड सिल्वर एंड ब्लैक एंड टैन एंड वाइट कलर में पाए जाते हैं। ये डॉग डबल कोटेड होते हैं और ये बहुत शेड करते हैं। अब बात करेंगे जर्मन शेफर्ड के पपीज को कैसे पहचाने। इनकी पूंछ बहुत मोटी होती है, लंबी होती है और घने बालों वाली होती है। इनकी पूंछ हमेशा नीचे की ओर रहती है, कभी जर्मन शेफर्ड की पूंछ ऊपर उठी हुई या मुड़ी हुई नहीं होती है। इनके कानों के बीच का गैप अदर ब्रीड से कम होता है। इनके खड़े होने का तरीका बचपन से अडल्ट होने तक एक जैसा रहता है। ये पीछे की ओर झुके हुए खड़े रहते हैं। अब इसके प्राइस की बात करें, इसका प्राइस कितना होता है। अगर आप किसी पेट शॉप से जर्मन शेफर्ड का पपीज खरीदेंगे तो आपको 15,000 से 40,000 रुपये के बीच मिल जाएगा। अगर आप किसी ब्रीडर से खरीदेंगे तो इसका प्राइस 40,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच हो सकता है। यह प्राइस इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रीडर कितना रेपुटेटेड है, उसके पास किस प्रकार का, किस क्वालिटी का डॉग ब्रीड है। जर्मन शेफर्ड को पालने में महीने में कितना खर्चा आता है। अगर इन्हें स्टैंडर्ड क्वालिटी फूड दिया जाता है तो महीने में खर्चा 4 से 5,000 रुपये आता है, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड दिया जाता है तो इसका खर्चा 6 से 7,000 रुपये आ जाता है, और वैक्सीनेशन का खर्चा 800 रुपये से 1500 रुपये के बीच आता है, जो इसमें मैंने इंक्लूड करके बता दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई दोस्त डॉग लेना चाह रहा हो तो उसे यह वीडियो ज़रूर शेयर कर लें। धन्यवाद।